नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्योतिष किचन पॉइंट में। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, आज हम मोमोज की चटनी बनाएंगे। जब हम मोमोज बनाते हैं तो उसके साथ जो चटनी बनाते हैं, अगर वो टेस्टी हो तो मोमोज खाने का अलग ही मज़ा आता है। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे 4 बड़े टमाटर लिए हैं, 20 से 25 लाल मिर्च ली है, 1 बड़ा प्याज लिया है, इसको हमने बारीक काट लिया है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच सोया सॉस लिया है, 20 से 25 लहसुन की कली ली है, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। 2 चम्मच तेल लिया हमने, 1 चम्मच नमक लिया है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। 1/4 चम्मच हमने चीनी ली है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया था, इसमें हमने पानी गर्म होने के लिए पहले रख दिया था और हमने हाई फ्लेम पे पानी को उबाल लिया है। अब हम इसमें जो हमने लाल मिर्च ली थी सूखी, वो डालेंगे। इसको हम 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे उबालेंगे। तो देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमने इसको हाई फ्लेम पे उबाल लिया है। अब हम इसको छान के बर्तन में निकाल लेंगे। एक हमने सारी मिर्ची एक बर्तन में निकाल ली है और उसका एक्स्ट्रा पानी हमने हटा दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है। अब हम इसमें जो हमने तेल लिया था वो डालेंगे। तेल को हम मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देते हैं। तो देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने प्याज लिए थे कटे हुए, वो डाल देंगे। अब हम इसको हल्का सा भूनेंगे। 1/2 मिनट बाद अब हम इसमें हमने जो लहसुन लिए थे कटे हुए, वो डालेंगे। अब हम इसमें जो अदरक ली थी हमने, वो डाल दी मैंने। और हम इन सब चीज़ों को करीब 1 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए, 1 मिनट बाद जो हमारे लहसुन, प्याज और अदरक है, वो हमने भून लिए हैं। यहाँ पे हमने जो टमाटर लेते हैं उसको हमने बारीक काट लिया है और वो हमने इसमें डाल दिए हैं। और हम इसमें चीनी डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। तो ध्यान रहे, सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक का यूज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करें। इन सब चीज़ों को हम मिला देते हैं। अब हम इसमें जो हमने लाल मिर्च ली थी उबाल के, वो डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिलाएं अच्छे से। और हम इसे कवर करके करीब 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारे टमाटर, वो भी अच्छे से गल चुके हैं। तो देखिए, गैस हम बंद कर देंगे और इसको हम थोड़े ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने ग्राइंडर जार लिया है और जो हमने मसाला बना के तैयार किया था उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था और ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे उसको। तो देखिए, सारा मसाला हमने जो ग्राइंडर जार लिया था उसमें डाल दिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए, हमने मसाला पीस के बिल्कुल तैयार कर लिया है और हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है, हमने इसे सर्व कर दिया है। अब आप मोमोज बनाइए और उस चटनी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि चटनी कैसी बनी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।